नेताओं के आर्थिक घोटाले या सेक्स स्कैंडल में फंसने की खबरें तो रोज सुनते रहते होंगे, लेकिन भोपाल में एक नेताजी के ट्रेन के टॉयलेट में फंसने का हास्यास्पद मामला सामने आया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन प्रभारी चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी शताब्दी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। द्विवेदी जी शंका समाधान के लिए टॉयलेट गए और चटकनी खराब होने की वजह से उसमें फंस कर रह गए। काफी देर तक जूझने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो नेताजी ने अपने बेटे को फोन लगाया। उसने रेलवे हेल्पलाइन के नंबरों पर फोन किया और लगभग डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद नेताजी को टॉयलेट के दरवाजे की कुंडी तोड़कर बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान नेताजी पर क्या बीती ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इंडियन रेलवे की बद इंतजामियों का पता उन्हें बखूबी चल गया होगा, जिसका सामना आम जनता रोज करती है। अब चूंकि नेताजी कांग्रेस के हैं तो वे ये भी आरोप लगा सकते हैं कि उन्हें किसी स्कैम में फंसा पाने में नाकाम रहने के कारण मोदी सरकार द्वारा ट्रेन के टॉयलेट में फंसा दिया गया।